वेलकम बैक टू अवर चैनल MCB. फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ सिल्क थ्रेड को यूज करते हुए टोटली डिफरेंट मेथड के साथ सिंपल एंड ब्यूटीफुल साड़ी कुछ डिजाइन बनाएंगे, जिसे आप दुपट्टा, फैंसी साड़ीज, ऑल्सो लाइट वेट साड़ीज पे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड हमें लेना है। इन 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड बनाने का वीडियो ऊपर लिंक आई बटन में दे दिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें कॉटन थ्रेड और जरी थ्रेड लेना है। सिर्फ इन्हीं तीन थ्रेड्स को यूज करते हुए सिंपल, इजी बट ब्यूटीफुल न्यू डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमें पल्लू पे स्टेप और मार्कर की मदद से एवरी 1.5 इंच की डिस्टेंस पे मार्क करना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे एवरी 1.5 इंच के डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट हमें कोई भी एक थिक बिग आई वाला नीडल या फिर क्रोशा लेना है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है, इस मार्क में से इस नीडल को पास करते हुए इस तरीके से हमें एक होल बनाना है। इससे टसल्स बनाना और भी इजी हो जाएगा। अगर साड़ी थिक भी है तो भी टसल्स बनाना और भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके इसके टिप पे इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे स्टिक कर लेना है। ये जो हमने होल बनाया है, इस होल के बैक साइड से हम नीडल को स्लोली इस तरीके से पास कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन सिल्क, ये जो सिल्क थ्रेड है, ये लगभग 3 फिंगर्स जितने लॉन्ग सिल्क थ्रेड लेने हैं। जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है उसको छोड़ के लगभग 3 फिंगर्स जितने सिल्क थ्रेड लेने हैं, और इन सिल्क थ्रेड को इस तरीके से नीट करते हुए ये जो थ्रेड्स है इसमें इक्वली हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। देख सकते हैं नीटली इस तरीके से हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें इस नीडल को इस 2 पार्ट्स के मिडल में से पास कर लेना है, और इस नीडल को हमें बैक साइड लेना है। ये जो सिल्क थ्रेड है इन्हें हमें नीट कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही नीटली ये डिज़ाइन आएगा। नेक्स्ट हमें ये जो बैक साइड थ्रेड्स हैं इसमें भी हमें इक्वली 2 पार्ट्स बनाने हैं। देख सकते हैं बहुत ही नीट हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। उसके बाद ये जो फ्रंट साइड वाले थ्रेड है इसे हमें इनमें से पास करते हुए बैक साइड लेना है। नेक्स्ट हमें एक बार फिर से इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए ये जो नीडल है, इस नीडल को बैक साइड के इन सिल्क थ्रेड में ये जो 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं इसमें से हमें नीडल को पास करते हुए बैक साइड लेना है। इन सिल्क थ्रेड को नीट करने के बाद बैक साइड ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें ये जो हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं इन्हें हमें नीट कर लेना है और 2 पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद फ्रंट साइड वाले नीडल को, सॉरी, फ्रंट साइड वाले थ्रेड्स को इनमें से पास करते हुए बैक साइड लेना है। इस तरीके से हमें टोटल 6 to 7 टाइम्स बनाने हैं। आप यहाँ पे इस डिज़ाइन को थोड़ा सा लॉन्ग या फिर शॉर्ट पे बना सकते हैं। हमने टोटल 6 टाइम्स इन थ्रेड्स को ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरीके से लेना है। एवरी टाइम इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए फ्रंट साइड वाले थ्रेड्स बैक साइड और बैक साइड वाले थ्रेड्स इस तरीके से फ्रंट साइड आएंगे, और ये जो 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं इन्हें सेपरेट करते हुए फिर से इस फ्रंट साइड वाले थ्रेड्स को बैक साइड लेना है। ये देख सकते हैं डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमें इन फ्रंट साइड वाले नीडल को इक्वली इन 2 पार्ट्स में से पास करते हुए बैक साइड लेना है, और यहाँ पे साइड में काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 टाइम्स हमने बना लिया है। इसी तरीके से एक बार फिर से हमें इन फ्रंट साइड वाले थ्रेड्स को इस 2 पार्ट्स में से पास करते हुए बैक साइड लेना है। ये टोटल 6 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट हमें फ्रंट साइड वाले ये जो थ्रेड्स हैं, लेफ्ट साइड वाला थ्रेड राइट साइड इस तरीके से, और राइट साइड वाला थ्रेड लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हमें ट्विस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन थोड़ा सा लॉन्ग कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेना है, और यहाँ पे ये जो थ्रेड्स हमने ट्विस्ट किए हुए हैं एग्जैक्टली इस पे ही इस कॉटन थ्रेड से हमें अच्छे से टाई कर देना है। इस नॉट में से भी नीडल को पास करते हुए एक बार फिर से एक और नॉट बना के एक टर्न लेना है। इसी तरीके से एक और टर्न लेते हुए यहाँ पे हमें एक और नॉट बनाना है। अच्छे से टाइटली एक नॉट बनाएंगे। नेक्स्ट हमें एक और टर्न बनाते हुए एक और नॉट बनाएंगे, और यहाँ पे ये जो कॉटन थ्रेड है इसमें से हमें नीडल को वापस पास कर लेना है।
और एक्स्ट्रा ये जो कॉटन थ्रेड है इसे हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बैक साइड ये जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाया हुआ है इसे हमें कट कर लेना है। इसके बाद इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए एक्सेस हमें सिल्क थ्रेड को भी कट कर लेना है। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही सिंपल इजी एंड न्यू टाइप है। इसी डिज़ाइन को आप एक और टाइप से भी बना सकते हैं। 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड के बैक साइड हमें टिप पे इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ये जो नेक्स्ट वाला मार्क है इसके मार्क के बैक साइड से हमें नीडल को पास कर लेना है और मेजरिंग के हिसाब से लगभग 3 फिंगर्स जितने लॉन्ग सिल्क थ्रेड लगते हुए यहाँ पे इस नीडल को हम साइड कर लेंगे और एक्स्ट्रा इस सिल्क थ्रेड को हम कट करते हुए इस नीडल को हमें अलग कर लेना है। इस तरीके से इन सभी सिल्क थ्रेड को कट करते हुए इस नीडल को हम निकाल लेंगे। इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए फ्रंट साइड से सिल्क थ्रेड है इस पर हमें फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे स्टिक कर लेना है। बैक साइड जिस तरीके से हमने स्टिक किया हुआ है उसी तरीके से फ्रंट साइड के टिप पे भी हमें फैब्रिक ग्लू लगाते हुए नीटली स्टिक कर लेना है। इस तरीके से पॉइंटेड हमें स्टिक कर लेना है। उसके बाद बैक साइड के ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें हमें इक्वली 2 पार्ट्स बनाने हैं और फ्रंट साइड वाला नीडल बैक साइड लेना है। इन 2 पार्ट्स में से पास करते हुए पास कर लेंगे। बैक साइड से ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें भी हमें इक्वली 2 पार्ट्स बनाते हुए फ्रंट साइड वाला थ्रेड बैक साइड लेना है। इस तरीके से हमें टोटल 6 to 7 times इन सिल्क थ्रेड को फ्रंट साइड से बैक साइड, बैक साइड से फ्रंट साइड लेना है। एवरी टाइम इन सिल्क थ्रेड को हमें नीट करते हुए वर्क करना है। फ्रेंड्स ये रिक्वेस्टेड डिज़ाइन है। व्हाट्सएप से तृप्ति जी ने इस डिज़ाइन का पिक भेजा था और इस डिज़ाइन को बनाने का रिक्वेस्ट किया था। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आप भी अपने बनाए हुए डिज़ाइन या फिर रिक्वेस्टेड डिज़ाइन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, इसे आप लाइट वेट सारीज, फैंसी कॉटन सारीज या फिर दुपट्टा पे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें ये जो फ्रंट साइड वाले थ्रेड्स हैं इन्हें बैक साइड लेना है और बैक साइड से इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए फ्रंट साइड वाले ये जो थ्रेड्स हैं फिर से हमें बैक साइड लेने हैं। नीटली एवरी टाइम इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए हमें ट्विस्ट करना है। नेक्स्ट हमें इन सिल्क थ्रेड को लेफ्ट साइड वाला राइट साइड और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इसके बाद कॉटन थ्रेड लेना है। 2 strands ऑफ कॉटन थ्रेड लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिक्स काउंट करने के बाद बैक साइड से इस नीडल को पास करते हुए हमें यहाँ पे इन थ्रेड्स को अच्छे से टाई कर देना है। फ्रेंड्स इसी तरीके से क्विक एंड ईजी 1 आवर सारी कुछ डिज़ाइंस और भी बनाए हुए हैं, उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से लेटेस्ट सारी कुछ टसस डिज़ाइन, क्रोशा कुछ टसस डिज़ाइन, लटकन्स के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें ये जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाया हुआ है यहाँ पे इन्हें हमें कट कर लेना है। इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए थोड़ा और हम इन्हें ट्रिम कर लेंगे। नीटली इन सिल्क थ्रेड को हमें ट्रिम कर लेना है। हमने 2 tassels बना लिए हैं। जो 2 strands ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है इसके बदले में आप सारी थ्रेड से भी इसे टाई करते हुए इतना ही डिजाइन भी बना सकते हैं। इन थ्रेड्स को थोड़ा और थिक बनाने के लिए फिर से 70 strands ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो थ्रेड्स है इन थ्रेड्स के बैक साइड से मिडिल में से बैक साइड से हम नीडल को पास कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से हमें इन सिल्क थ्रेड को नीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें 5 strands ऑफ जरी थ्रेड लेते हुए इन सिल्क थ्रेड के बैक साइड से इस नीडल को पास करके जरी थ्रेड के इस नॉट में से भी एक बार फिर से नीडल को पास करते हुए एक टर्न लेना है। उसके बाद इस सिल्क थ्रेड और जरी थ्रेड को नीट करते हुए एक और टर्न लेंगे। नेक्स्ट हमें फिर से एक टर्न लेते हुए साइड में नॉट बनाना है, अच्छे से एक टाइट नॉट बनाना है। और अब नेक्स्ट हमें इस जरी थ्रेड के साइड में से नीडल को पास करते हुए एक्स्ट्रा इस जरी थ्रेड को हमें कट कर लेना है। इसी तरह से ये जो सिल्क थ्रेड है
एक्स्ट्रा इन सिल्क थ्रेड को भी हमें ट्रिम कर लेना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग टैसल्स भी बना सकते हैं, नॉर्मल टैसल्स भी बना सकते हैं। हमने थोड़े से शॉर्ट बेबी टैसल्स बनाए हैं। इसी तरीके से बाकी सभी टैसल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे जो भी नए वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।